अगर आप इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो आप सही कह रहे हैं। इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग यह पूरा वीडियो लास्ट तक देख लेंगे आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा एक नॉर्मल मल्टीमीटर से पूरा टीवी कैसे रिपेयर कर सकते हैं। पूरा डिटेल आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक नॉर्मल मल्टीमीटर है तो उसको हम कैसे चला सकते हैं, थ्योरी में क्या होगा, प्रैक्टिकली में क्या होगा। यह वीडियो अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लेंगे आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा नॉर्मल मल्टीमीटर कैसे काम करता है, जो नॉर्मल मल्टीमीटर होती है जो एक एक सेक्शन होता है यह कैसे काम करता है। यह वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों से ही कह रहे हैं यह वीडियो लास्ट तक देख लेंगे तो आप लोगों का पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। नॉर्मल मल्टीमीटर से पूरा टीवी रिपेयर करके फेंका जा सकता है। एंड्रॉइड बोर्ड हो, चाहे पावर सप्लाई हो, चाहे मदरबोर्ड हो, चाहे पैनल हो, बिना डाटा शीट का कैसे रिपेयरिंग कर सकते हैं एक नॉर्मल मल्टीमीटर से, अगर यह सीखना है इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको हर एक वीडियो नया वीडियो आएगा तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जिससे आप देख सकते हैं। आप लोगों के कमेंट पर यह वीडियो बनेगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो यह वीडियो बनेगा। मेरा हर चीज पर वीडियो बन चुका है। यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं।